नमस्कार योगिता रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं ड्राई कचौरी की रेसिपी। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता लगने वाली है। आज हम ड्राई कचौरी की रेसिपी देख रहे हैं तो मैदा मैंने 1 कप लिया है, स्वादानुसार नमक लगेगा, 2 चम्मच यहाँ पे घी लिया है मैंने मेल्टेड और पानी लगेगा। चलिए हम आटा गूंथ लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के पारी के लिए आटा गूंथेंगे। एक बाउल में मैदा लिया है मैंने, छान के लिया है और उसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा डालिए। घी डालना है हमें, याद रखिए घी का ही इस्तेमाल करना है हमें। 2 चम्मच बराबर हमें इसमें घी चाहिए। तो इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि घी और नमक सभी जगह मैदे में लग जाए। देखिए इस तरह से आटे में पूरा घी लग चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक आटा गूंदना है हमें, मीडियम सा। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है हमें। देखिए आटा गूंद के रेडी है, ऐसा आटा होना चाहिए। मैंने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा के इसे साइड में रख देने वाले हैं जब तक हम अंदर की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अंदर की स्टफिंग के लिए फरसान 1 कप है, 1/2 कप यहाँ पे सेव है, नमक है, काजू बादाम और किशमिश है, इमली की चटनी, खट्टी मीठी घर की बनी हुई, यहाँ पे साबुत हरा धनिया है, जीरा और सौंफ लिए है मैंने। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शक्कर लगेगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर। चलिए बनाते हैं। अब गैस मैंने ऑन किया है, गैस में हम ये तीनों चीजें मिलाते हैं और भून लेते हैं। 1 मिनट तक इसे भूनना है हमें। पाउडर के बजाय आप ऐसे भून के इसको क्रश करके डालोगे तो उसका स्वाद निखर आता है, अंदर के स्टफिंग में मस्त लगता है। जब ये दांत के नीचे थोड़े से दरदरे आ जाते हैं तो इसे मैंने 1 मिनट तक भूना है। अभी 1 टीस्पून यहाँ पे मैं तिल डाल रही हूँ, ये अपना सामग्री में रह गया था तो इसे भी इसके साथ भून लेंगे। मिक्सी के जार में अभी इसके हम दरदरे ऐसे पाउडर करेंगे। देखिए मसाला तो रेडी हो चुका है, इसे बाजू में रखते हैं। अब हमें फरसान और सेव इसे भी हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा दरदरा रखना है इसे भी, ये भी हमने पीस लिया है। इसे निकालते हैं एक बाउल में। सारी चीजें हमें अभी मिलानी है, मिक्स करनी है। ये हमने धनिया, जीरा और ये सौंफ पीसी है, इसे भी मिक्स करेंगे इसके साथ। सारे मसाले मिलाना है हमें इसके साथ। थोड़ी सी शक्कर 1/2 टीस्पून, ये सारे मसाले लिए वो डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हमें थोड़ा सा स्वादानुसार मिलाना है क्योंकि गाठिये में भी नमक रहेगा, उस हिसाब से आपको मिलाना है। ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, इसे मिक्स करेंगे। वाव, और थोड़ा थोड़ा सा इमली की चटनी है इसमें मिलाएंगे, जैसे लगेगा वैसे। ये 1/2 कप है, उसमें से मैंने 1/2 कप लिए, इसे मिक्स करेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसका वीडियो भी मैं अब जल्दी से अपलोड करने वाली हूँ। 1 चम्मच मैंने और लिया है इसके साथ। इसे सब मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के हम साइड में रखते जाएंगे, सब रेडी करके रखेंगे ताकि कचौड़ियाँ हमारी फास्ट हो जाए। देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। देखिए जब तक स्टफिंग बना रहे थे तब तक ये आटा सेट हो जाता है। अभी हम इसे थोड़ी देर ऐसे हिला लेंगे। और इसके छोटे छोटे लोइयां हम बना लेते हैं। अब इसमें से 1 लोई ली है मैंने, इसे बेलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम पूरन पोली के लिए करते हैं वैसे इसमें ही स्टफिंग बनना है हमें, ज्यादा पतला नहीं रखना है।
देखिए इस तरह से करना है हमें। और ये जो गोले लिए हमने बना लिए इसमें हम भर लेंगे और ऊपर से ऐसा पूरा उसे कवर करते जाएंगे। इस तरह से कचौरी बनानी है। जो हिस्सा है नीचे नीचे का हिस्सा ऊपर तक ऐसे खींच लेना है, आसानी से हो जाती है। देखिए एक्स्ट्रा रहेगा तो आप निकाल दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है इसे राउंड कर देना है। बराबर से इसे फिट करना है, नहीं तो मसाला निकल आएगा। इस तरह से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं। कचौड़ी बना के रेडी है। अभी हम तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैंने साइड में तेल गरम करने रख दिया था। मीडियम हीट के ऊपर तेल गरम होना चाहिए और मीडियम से स्लो ऐसे आज के ऊपर हमें फ्राई करना है। एक एक करके हम कचौड़ियां इसमें डालते जाएंगे। जैसे जैसे पहले रेडी हो वैसे इसे फ्राई करें, बाद में दूसरी बनाए। इस तरह से हल्के हाथ से हम डाल देंगे और कचौरी के लिए बहुत टाइम जाता है तलने के लिए, आराम से इसे फ्राई करना है। अभी हम इसे पलटी करेंगे, पलटी पलटी करके इसे फ्राई करना है आराम से। और बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी वैसे ऊपर आ जाएगी। गैस की फ्लेम मीडियम हीट के ऊपर है। देखिए देखिए टोटल 10 मिनट हो चुके, इसका कलर अभी चेंज होने लगा है, गोल्डन होने लगा है। अब गैस की फ्लेम मीडियम ही है, मीडियम हीट के ऊपर मैंने फ्राई किया इसे। पलटी पलटी करते रहिए बीच बीच में इसे, ताकि सारी जगह से बराबर से कलर आ जाए, बराबर से सेक जाए। थोड़ा सा वक्त लगता है कचौरी तलने में। अब हाई फ्लेम पे तलोगे तो ऊपर का जो कवर है नरम पड़ जाएगा, इसलिए इसे पेशेंट के साथ फ्राई करना है। देखिए इसका कलर अभी चेंज होने लगा है। चलिए परफेक्ट कलर आ चुका है कचौड़ी का। अभी हम इसे निकालते हैं एक पेपर नैपकिन पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और दूसरी कचौड़ी का बैच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चलिए सारी कचौड़ियां मैंने निकाल ली एक प्लेट में। टोटल 10 कचौड़ियां रेडी हो जाती है इस मिश्रण से। स्टफिंग और ऊपर का जो कवर है उसका सेम मेजरमेंट लीजिए, बराबर 10 कचौड़ियां रेडी हो जाती है। अब इसे तोड़ के बताती हूँ कि कैसे बनी है। बहुत दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। देखिए इसे कट करते हूँ, कैसे खस्ता बनी आपको पता चलेगी अंदर से कितनी मस्त बनी है। खस्ता क्रिस्पी देख सकते हो, इसका आवाज कैसे आ रहा है, एकदम हलवाई के जैसे बन जाती है। और जो मसाला है वो भी बढ़िया बनता है। मत बने परफेक्ट। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप ट्राई भी कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।